हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया लर्निंग टुडे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक वाटर टरबाइन। जैसा कि आपने टरबाइन्स देखे होगा, विंड मिल होता है और एक वाटर टरबाइन्स भी होते हैं बहुत सारे, जो विंड एनर्जी को कंजर्व करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो जनरेटर को घुमाता है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही हम वाटर टरबाइन के साथ भी करेंगे। वाटर टरबाइन के साथ हमने एक सिंपल सा जुगाड़ करके बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मोटर है। मोटर के ऊपर मैंने यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग ब्लेड्स लगाते हैं, हमने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पर स्पून्स लगा दिए हैं और यहाँ पर इस पर हम बहुत तेज फ्लो वाला पानी डालेंगे और फिर ये जब ऐसे रोटेट होगा विदाउट गिविंग एनी एनर्जी, हम इस पर पानी डालेंगे, जो वाटर के अंदर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होता है इसके ऊपर गिरेगा और वो वर्क करेगा। और इसमें जब ये रोटेट होगा तब मैकेनिकल एनर्जी होगा और उसको कन्वर्ट करेगा इसके अंदर की गई कॉइलिंग, जो मोटर के अंदर कॉइलिंग होती है और जो इसके सराउंडिंग में मैग्नेट्स होते हैं, इससे इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। और इसीलिए कि इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है, एलईडी बल्ब, जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर ये ग्लो होएगा तो सीधी सी बात, हमें पता चल जाएगा कि एक एनर्जी निकल रही है इसमें से। हम इसमें किसी भी तरीके का बैटरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, हम इसमें सिर्फ वाटर का फ्लो चालू करेंगे। और वाटर का फ्लो चालू करने के बाद हम इसमें डायरेक्ट एलईडी को देखेंगे कि वो ग्लो हो रहा है कि नहीं। और ये देख सकते हैं कि आप, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आप इसको कहीं पे भी स्कूल और कॉलेजेस में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसको एक वाटर टरबाइन जैसा यूज़ होता है, हालांकि जो वाटर टरबाइन्स रियलिस्टिक में यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स पे बनाया जाता है, मतलब काफ़ी कॉस्ट पे बनाया जाता है, वो ज़्यादा महंगे होते हैं और हालांकि वो जनरेट भी करते हैं। और ये सब आइडिया देने वाले साइंटिस्ट का नाम है फराडे। और मैं आपको बता दूं कि 1000 वाट तक का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकता है अपना वाटर टरबाइन। उसके लिए फ्लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लीटर्स पर सेकेंड, हालांकि इतना फ्लो हमारे पास नहीं है, इसलिए वाटर टरबाइन्स होते हैं वो गांव के एरिया में लगाए जाते हैं, झरने वरने के आसपास, जहां पे वाटर फ्लो एकदम तेज़ी से हो। हम यहां पर नल का यूज़ करेंगे इस पर पानी गिराने के लिए, और जब इस पर पानी गिरेगा ये इसको रोटेट करेगा, इस पर गिरेगा ये इसको रोटेट करेगा, और ऐसे रोटेट करते करते ये रोटेट होगा और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी तो देखेंगे कि यहाँ पे बल्ब जो हमने लगाया है एलईडी, वो ग्लो होता है कि नहीं। आपको सिंपली मालूम है, हम यहाँ से एनर्जी देंगे बैटरी से तो ये चल पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसके इस टर्मिनल को हटाकर, बैटरी वाले पोर्शन को हटाकर यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एलईडी कनेक्ट कर दिया और हम इसके ऊपर सिर्फ डायरेक्ट अब पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम पानी डालते हैं और फिर देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने लाइव टेस्ट होगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं, यहाँ पर ये नल है और मैं इसको सीधे इसको यहाँ पर ऐसा रखूँगा और यहाँ से मैं इसको वाटर फ्लो यहाँ से चालू कर दूँगा और फिर हम देखेंगे। देखिए, जैसे पानी गिरा, एडजस्ट हमें सही से करना पड़ेगा, वाटर फ्लो चालू करेंगे और फिर ये जब रोटेट करेगा और तब ये वाटर फ्लो से रोटेट करेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी एज अ मैकेनिकल एनर्जी वर्क करेगा और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो हम इसको चालू करते हैं और एक टाइम पे हम ये लाइट भी बंद करेंगे देखने के लिए कि एलईडी जल रही है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में भी वोल्टेज जनरेट कर सकता है, तो हम लोग इसको लाइट बंद करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि ऐसे पे जलता है क्या। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके नीचे ये लगा देते हैं, वाटर फ्लो चालू करेंगे इस तरीके से और नीचे ये बाल्टी लगा देते हैं कि वाटर ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो वेस्ट मतलब निकल भी गया ज़्यादा वाटर तो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड, अब ये नल चालू करते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लगी हुई है, ग्लो होगा आपके सामने ही। चालू करते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा वाटर फ्लो अपने मैनुअली के हिसाब से, जैसे आप किया देखा भी रोटेट हुआ था। तो अब हम we'll be right back.
अभी अभी एलईडी जली, अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आपको पता चला गया होगा अभी अभी एलईडी जली हुई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वाटर पोटेंशियल एनर्जी और सोलर का मैकेनिकल एनर्जी था और ये बहुत मिनिमम अमाउंट में दर्जा एलईडी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि और ब्राइट एलईडी जलाने के लिए आपको वाटरफॉल एकदम चेंज करना पड़ सकता है और तेज हम जाकर कर नहीं सकते, ज़्यादा तेज नहीं होगा। हम लाइट बंद करते हैं और देखते हैं क्या सब होता है। तो फ्रेंड्स हमने ये इसकी लाइट बंद कर दी है और हमने मोबाइल का फ्लैश चालू कर रखा है। एट अ टाइम जब रोटेट होने लगेगा तो मोबाइल का फ्लैश ये बंद कर देंगे ये देखने के लिए कि आपको सही से दिख रही है, मतलब सही से दिखे मतलब। अब हम इसको और रोटेट करेंगे, फ्लैश बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मिनिमम अमाउंट में एलईडी ग्लो हो रही है, अगर आपको दिख रहा है तो क्या मालूम आपको कैमरे में दिख रहे कि नहीं। और मैं यहाँ पे एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ लाइट का फ्लैश चालू है। तो मैं साथ देख सकते हैं एलईडी बहुत मिनिमम में ही ग्लो हो रही है। मैं जैसे जैसे ऊपर लेके जाता हूँ पानी का फ्लो स्लो होता है और जैसे जैसे नीचे ले जाता हूँ पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो क्या देख सकते हैं यहाँ पर जब ब्राइट चालू देखिए कि आप जैसा ब्लू कलर का एक इसमें जल रहा है, ये आरजीबी वाला है मतलब दो कलर वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर और रेड कलर में बट बहुत लाइट जल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड जैसे कि हमने आप लोगों ने देखा अब तो शायद मोटर ख़राब भी हो चुका होगा क्योंकि इसके अंदर पानी गया और आरजीबी लाइट। तो ये लाइट जो बल्ब था एलईडी ये बहुत ही छोटे तरीके से जला, मतलब स्मॉल अमाउंट में जला। और जैसे कि आप देख सकते हैं टर्मिनल में सिर्फ मैंने इसमें कनेक्ट किया था तो एलईडी को मैंने निकाल दिया और काफ़ी अच्छा था ये। आपने देखा कि कैसे ये रोटेट हो रहा था फटाफट। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए भी आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटरफॉल की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्मॉल वाटरफॉल रहेगा तो कुछ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट नहीं होने वाला है। तो वाटरफॉल एक ज़रूरी अमाउंट तक होना चाहिए और इसे वाटर टर्बाइन कहते हैं। अब यही फिनोमेना विंड टर्बाइन में भी यूज़ होता है और सिंपल सी बात है, सिंपल फिनोमेना है, सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल्स है इसके, सिंपल साइंस है इसमें कि जब इसके ऊपर वाटरफॉल गिरता है यहाँ पर और ये जब रोटेट करता है वाटर में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इसको रोटेट करती है स्टेप बाय स्टेप और इसमें हुई इसमें आजू बाजू लगे रहते हैं मैग्नेट और कॉइलिंग हुई रहती है जिससे ये कॉइल मूव करता है। मैग्नेटाइज होकर मैकेनिकल वर्क जब होता है इसके अंदर तो वो मैकेनिकल वर्क मैग्नेटाइज कॉइल इस एलईडी को जलाता है एज अ परफॉर्म करता है और पास करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ होम अप्लायंसेस। हालांकि इससे आप घर का कुछ भी काम नहीं कर सकते, एक आध वोल्ट ही एनर्जी ये दे सकता है तो उसके लिए बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद जरूर है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर कर देना। और रही बात मैं किसी की ट्यून को कॉपी करता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।